Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates. अब आज के अमेंडमेंट चालू करते हैं. आज की जो मेरे पास अमेंडमेंट है ये कहती है PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. सबसे पहले आप मुझे डेप्रिसिएशन के रेट्स याद करा रहे हैं. डेप्रिसिएशन आप सबसे पहले असेट्स को बांटते हैं दो कैटेगरी में. एक होता है टेंजिबल असेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल. इसके बाद टेंजिबल को आप फर्दर सब डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में. तीन कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले बिल्डिंग, लैंड नहीं बोलगा बिकॉज लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता. बिल्डिंग, सेकेंड इज फर्नीचर फिक्स्चर एंड थर्ड इज प्लांट एंड मशीनरी. तो इनटेंजिबल असेट पे तो फिक्स था आपका कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 25. बिल्डिंग पे अगर आपकी बिल्डिंग का जो नेचर है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेट कितना था 5. कमर्शियल बिल्डिंग था तो 10. और अगर टेम्पररी बिल्डिंग से टेम्पररी स्ट्रक्चर से तो 100. फर्नीचर एंड फिक्स्चर हमेशा कितना था 10%. प्लांट एंड मशीनरी में अगर नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस में था 15. अगर मैं सिर्फ मोटर कार लिख दूं, सिर्फ और सिर्फ मोटर कार और आगे कुछ ना दो तो आप कितना लगाते थे 15. लेकिन अगर मेरा मोटर कार चलाने का बिजनेस था तो आप रेट कितनी लेते थे 30. इसके बाद कंप्यूटर्स पे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आप कितनी लेते थे 60. इसके बाद आप बुक्स के ऊपर कहते थे बुक्स अगर एनुअल पब्लिकेशन है तो 100, एनुअल पब्लिकेशन नहीं है तो 60. और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे आप कितनी लेते थे 100. चेंज कहां पे है? और चेंज है इनकॉर्पोरेट, आपको करना पड़ेगा इसको. मैक्सिमम रेट हैज बीन कैप्ड एट 40%. लास्ट टाइम जब बजट आया था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन कैप्ड एट 40%. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने स्पेसिफिकली किसी रेट को चेंज किया. आप बस ये समझ जाओ कि जहां पे भी आपने रेट 40 से ज्यादा पड़ी है वो रेट कितने पे कैप हो जाएगी 40% पे कैप हो जाएगी. कहां कहां चेंज आएगा? एक तो बिल्डिंग्स में चेंज आएगा. बिल्डिंग्स में चेंज आएगा ना तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे ना कमर्शियल बिल्डिंग पे. आपके पास चेंज जो आएगा वो आएगा टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पे जहां पे आपकी रेट 100 से कितनी हो जाएगी 40. इसके बाद एक चेंज आपका आएगा कंप्यूटर्स पे. कंप्यूटर्स पे पहले कितना मिलता था 60, अब कितना दोगे 40. इसके बाद बुक्स पहले एनुअल पब्लिकेशन पे 100 था और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन पे 60 था. अब सारी बुक्स पे कितना हो जाएगा 40. और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 100 की जगह कितना हो जाएगा 40. द अमेंडमेंट इज वेरी प्लेन एंड सिंपल अमेंडमेंट दैट द मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन कैप्ड एट 40%. 40% पे कैप कर दिया. इसके अंदर अगर आपकी कहीं पे भी जो रेट है वो 40 से ज्यादा होती थी आपको उसे इग्नोर करनी पड़ेगी. PGBP की शीट बनाओ. चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन रेट कैप्ड एट मैक्सिमम 40%. चेंज वन, डेप्रिसिएशन रेट कैप्ड एट मैक्सिमम 40%. क्या व्हाट इज द लॉजिक कि रेट कम क्यों किया गया है? इसके पीछे रीजन ये है, आपको पता है धीरे धीरे कंपनीज पे इनकम टैक्स रेट कम की जा रही है. जैसे आपने दो तीन क्लास पहले अमेंडमेंट क्लास में ये सीखा था कि अगर कंपनी का प्रीवियस ईयर 15-16 के दौरान उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे कम है तो उस पर रेट आप 30 नहीं लोगे, उस पर रेट 25 लोगे. इसके साथ साथ अगर हल्का सा भी आपको इस बार के बजट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इस बार के बजट में भी क्लियरली कहा गया है कि जिन कंपनीज का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 16-17 के दौरान 250 करोड़ या इससे कम है उनके लिए जो रेट है वो 30 नहीं है, उनके लिए रेट क्या है 25 है. धीरे धीरे कंपनीज पे रेट ऑफ टैक्स कम किया जा रहा है. जब कंपनीज पे रेट ऑफ टैक्स कम किया जाएगा ना तो पैरेलली PGBP में भी थोड़े से आपके जो बेनिफिट्स हैं इन बेनिफिट्स को कंट्रोल किया जाएगा. 100% का डेप्रिसिएशन बहुत होता है, 60% भी कम नहीं होता, बहुत होता है. तो गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम कैप लगाई है और मैक्सिमम कैप लगाई है कितने की 40% की, कि जहां पे भी आपने किसी पर्टिकुलर असेट के लिए किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपने जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 40 से ज्यादा पड़ा है तो वो अब कैप हो जाएगा, कैप्ड एट 40%.
मेरी तरफ से चेंज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपके दिमाग में ना मेनली वो कंप्यूटर्स को लेके वो 60% रेट बैठी पड़ी है सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर करके, हल्की सी अडेप्टेशन आपको अपने एंड पे रिक्वायर्ड है। या चेंज बहुत ईजी है कि जहां पे भी 40 से अबव है वहां पे जो डेप्रिसिएशन की रेट है इट इज बीइंग कैप्ड एट 40%। चेंज इज वेरी इजी टू इनकॉर्पोरेट। तो चेंज नंबर वन हो गया है कि आपकी जो डेप्रिसिएशन रेट है इट हैज बीन कैप्ड एट मैक्सिमम 40%। और आपको अगर डिटेल्ड पेज डिटेल्ड शेड्यूल आपको रेफर करना है तो आप उसके लिए रेफर करोगे रेफर पेज नंबर 14.4 फॉर डिटेल्ड शेड्यूल प्रॉपरली। क्वेश्चंस एज इट इज पीछे वही है जो आपने पास्ट में किए हुए हैं, बस वहां पे रेट्स को थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। एक चीज मैं यहाँ पे लगे हाथ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको याद होगा, अगर कोई भी असेसी इफ ही इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आर्टिकल और थिंग, या अगर वो इन्वॉल्व है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वंस अगेन आ जाओ पेज नंबर 14 पॉइंट, लगे हाथ बुक के साथ ही देखते हो, पेज नंबर 14.7 पे आ जाओ। Please come to page number 14.7 of your books. 14.7 पे ये टॉपिक है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट किसको मिलता है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में। इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हो सकते हो, ट्रांसमिशन में भी हो सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकते हो, किसी में भी आप हो सकते हो। आपके लिए बेनिफिट क्या है, अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेके आओगे तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ साथ पहले साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हो। अगर आपने मशीनरी को इस साल खरीदा, इसी साल पुट टू यूज किया और आपने इसे पुट टू यूज किया 180 दिन या इससे ज्यादा, तो मैं आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन दूंगा। अगर आपने इसे पुट टू यूज किया 180 दिन से कम, तो मैं इस साल आपको 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन दूंगा और बैलेंस 10% अगले साल। और अगर आपने खरीदा एक साल और आपने इसे पुट टू यूज किया अगले साल, अगर आपने इसे पुट टू यूज किया अगले साल, तो मैं इस साल आपको कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा, अगले साल पूरा 20% का दूंगा, चाहे आपके नंबर ऑफ डेज 180 से ज्यादा है, चाहे आपके नंबर ऑफ डेज 180 से कम है। यहां पे एक वर्ड आता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी। न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी से आपने पढ़ा हुआ है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कुछ कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड नहीं होगी। इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी विल नॉट बी इंक्लूडेड। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड नहीं होगी जो ऑफिस में काम होती है, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं होगी जिसका जिसको और किसी ने पहले कभी यूज किया हुआ है या फिर इसे गेस्ट हाउस में यूज किया हुआ है। कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नहीं आएंगे। मैंने कंप्यूटर्स पे आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, अगर कंप्यूटर ऑफिस में लगा हुआ है, अगर आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफिस में लगा हुआ है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इस पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर आपके मशीन्स के ऊपर लगा हुआ है और आपकी मशीनें कंप्यूटर के थ्रू चलती है और कंप्यूटर आपके फैक्ट्री में है, तो उस कंप्यूटर पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। और लास्ट में यहां पे एक पॉइंट आता था, एनी प्लांट एंड मशीनरी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी पूरी कॉस्ट आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। अगर मैंने इस साल पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदा और मैंने इसे पुट टू यूज किया, मैं इस पे पहले साल में 100% डेप्रिसिएशन ले सकता था। जब मैं इस पे पहले साल में 100% डेप्रिसिएशन ले सकता था, तो मुझे इस पर्टिकुलर असेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? बिकॉज जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो पूरी की पूरी आपने कहां डेबिट कर दी है? पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दी है। इस वही वाला पॉइंट कहता है कि कोई भी ऐसी मशीनरी है जिसकी आपने 100% कॉस्ट पीएनएल में डेबिट कर दी है, तो कुछ तो अब बचा ही नहीं है। अब आप क्या करो, अब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन इस पे मत लो। लास्ट ईयर तक हम ये बोलते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो है आपने इस पे 100% डेप्रिसिएशन ले लिया, और क्योंकि आपने इस पे 100% डेप्रिसिएशन ले लिया तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब आप एक चीज खुद लॉजिकली सोच के देखो, अगर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 100% से 40% हो चुका है, तो ये वाला पॉइंट अब पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे अट्रैक्ट नहीं होगा। और गोइंग फॉरवर्ड आप पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी क्या ले सकते हो? एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हो।
ये चीज लॉ में एज सच कहीं लिख के नहीं आई अमेंडमेंट से, ये चीज हम सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन और सेक्शन की लिंकिंग से निकालते हैं कि हम पहले पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते थे क्योंकि उसकी 100% कॉस्ट पीएनएल में डेबिट होती थी, बट क्योंकि अब उसकी रेट रिवाइज हो चुकी है डेप्रिसिएशन की तो उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। आपने चेंज नंबर वन लिखा था, उस चेंज नंबर वन के आगे उसी में कंटिन्यू करोगे, उसी में आप कंटिन्यू करोगे। अगली अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन, आपको ये मत बोलने लग जाना सर बुक्स पे भी क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, बुक्स कोई फैक्ट्री में यूज नहीं होती है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलता है जब सामान मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में यूज होता है, बुक कोई मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट नहीं है, वो एक ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस एसेट है। अगली ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन वॉज नॉट अवेलेबल, अगली ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन वॉज नॉट अवेलेबल ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बिकॉज इट्स 100% कॉस्ट वॉज अलाउड टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। नाउ since the rate of depreciation on pollution control equipment, full kar do screen, on pollution control equipment has been reduced to 40%, comma, pollution control equipment shall also get covered. Within the scope of new plant and machinery resultantly investment in pollution control equipment would qualify for additional depreciation provided other conditions of eligibility are fulfilled. Provided other conditions of eligibility are fulfilled. वापस लेके आएंगे, अब तरीके से करते हैं, सारी चीजों को फ्लो नहीं बन पाया था अभी तक। आपकी बाकी सारी अमेंडमेंट्स आज के से पहले हो चुकी थी, पीजीबीपी हैज बीन रिजर्व फॉर टुडे। पीजीबीपी में अभी आप लोगों ने चेंज नंबर वन जो करवाया है, मेरे को चेंज नंबर वन में है कि धीरे धीरे जब हम कंपनीज के ऊपर, बिकॉज पीजीबीपी में मेनली कंपनीज आती है मेरे लिए, कंपनीज पे धीरे धीरे जब हम इनकम टैक्स की रेट कम कर रहे हैं तो जो आप उन्हें इनकम टैक्स में खर्चे माइनस करने देते हो उनके ऊपर धीरे धीरे लिमिटेशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन की रेट को मैक्सिमम 40% पे कैप कर दिया गया है। जिन चीजों पे डेप्रिसिएशन का रेट 40 से कम था उन पे कोई इंपैक्ट नहीं है,
लेकिन जिन पे डेप्रिसिएशन का रेट जो था वो 40 से ज्यादा था वो अब कैप हो जाएंगे कितने परसेंटेज पे 40% पे. और इससे एक और चेंज क्या आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो था वो पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता था क्योंकि आप उसकी 100% कॉस्ट को पीएनएल में डेबिट कर देते हो. और जिस भी असेट की 100% कॉस्ट आप पीएनएल में डेबिट कर देते हो वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी के स्कोप से बाहर था. जब रेट अब 100 से 40 हो गया है तो अब वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी के स्कोप में इंक्लूड हो जाएगा. और अगर आपके एडिशनल डेप्रिसिएशन की बाकी कंडीशंस फुलफिल्ड है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन न्यू पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट. दैट इज चेंज नंबर वन. चेंज नंबर टू, प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देंगे. जब इस वाले टॉपिक के प्रैक्टिस प्रैक्टिकल करेंगे पीछे, इन चीजों पे ध्यान देंगे. इसके बाद मैं आपको आपके टाइम पे जो इनकम टैक्स वॉल्यूम 2 थी उसका मैं एक पेज दिखाता हूँ. एक हम सेक्शन करते थे सेक्शन 32AC. 32AC इज इन्वेस्टमेंट अलाउंस. मेरे पास दो तरह के इन्वेस्टमेंट अलाउंस थे, एक था 32AC और एक था 32AD. 32AC कंपनीज को मिलता था अगर प्लांट एंड मशीनरी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ से ज्यादा है. आप फैक्ट्री कहीं पे भी लगा लो लेकिन आपके न्यू प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और आपका जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए. और 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस में आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट थी कि आप फैक्ट्री कहां पे लगाओगे, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश. जब आपको 32AC कराया था इसमें क्लियरली लिखा गया था, आपकी बुक में भी ये लिखवाया था, ये आपकी बुक है, करंट बुक नहीं है, आपकी बुक है ये वाली. यहाँ पे क्लियरली लिखा था नो बेनिफिट इज अवेलेबल इफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2017. आपको क्लास में भी बता दिया गया था कि इस वाले सेक्शन को सनसेट क्लॉज डाल दिया गया है टिल 31 मार्च 2017. दैट मीन्स इफेक्टिव 1 अप्रैल 2017 इस सेक्शन में कोई भी बेनिफिट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. तो मैं बोल सकता हूं कि सेक्शन 32AC हैज बीन विड्रॉन एंड नो बेनिफिट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 32AC ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017. 32AD वही का वही है लेकिन फर्क कहां पे है, 32AC में. लिखो पॉइंट नंबर टू, चेंज टू. कोई नहीं, चेंज टू. Withdrawal of section 32AC. Benefit of investment allowance under section 32AC available to companies has been withdrawn with effect from previous year 17-18. Therefore no benefit will be available. Therefore, no benefit will be available under section 32AC on or after 1 April 2017. However, benefit under section 32AD shall continue to be allowed. Change number one, depreciation rate capped at maximum 40%. Change number two, section 32AC has been withdrawn and 32AD chalta rahega, lekin 32AC going forward aapko allow nahin kiya jayega. This is change number two. चेंज नंबर थ्री के लिए आपको सेक्शन 40A3 पे आना पड़ेगा जो आपकी बुक में पेज नंबर 14.21 पे है. सेक्शन 40A3 में 40A3 क्या कहता था कि अगर आपकी 20,000 से ज्यादा की पेमेंट हो
तो 20,000 से ज्यादा की पेमेंट अगर आपको माइनस करनी है तो उसकी पेमेंट कैसे होनी चाहिए थी, अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे ड्राफ्ट। सबसे पहला लॉ चेंज किया गया कि 20,000 की लिमिट को ड्रॉप कर दिया गया क्या 10। और गोइंग फॉरवर्ड अब इनकम टैक्स में तीन मोड्स को बहुत रिकॉग्निशन दी जाएगी, किसको, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस। तो अब वो वाले मोड्स यहां पे लिख दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। और इसी के पैरेलली बहुत सारी चीजें और भी कुछ जगहों पे अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो आप लोग चेंज नंबर 3 लिख रहे हो, चेंज नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 40A3 रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश पेमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश पेमेंट्स, लिमिट रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹20,000 टू ₹10,000, लिमिट रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹20,000 टू ₹10,000। ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ, फुल कर देना स्क्रीन। पेमेंट्स एक्सीडिंग ₹20,000 should have been made by, payments exceeding rupees, yeah, satellite pe screen active kar dena please, payment exceeding ₹20,000 should have been made by, ग्वालियर का आपके एंड पे इश्यू है, यहां से बिल्कुल ठीक है, सेशन सिंक करो। पेमेंट एक्सीडिंग ₹20,000 should have been made by account pay check or account pay draft। नया लॉ क्या है, payments exceeding ₹10,000 should have been made by account pay check, account pay draft or ECS, electronic clearing system। तो एक तो चेंज ये है कि पहले 20 था अब 10 है, और एक ये है ECS। अच्छा एक और चीज है, वापस लेके आएंगे फ्रेम में, एक बार लिखेंगे नहीं, सामने ट्रांसपोर्टर के लिए पहले लिमिट 35,000 थी, अभी भी 35,000 है। इस सेक्शन में दो लिमिट आती थी, एक आती थी 20, एक आती थी 35। 20 इन ऑल केसेस एक्सेप्ट वन, 35 व्हेयर द पेमेंट इज बीइंग मेड टू अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। तो उसकी लिमिट को अभी टच नहीं किया गया, उसकी लिमिट 35 की 35 पे है, बाकी लोगों की लिमिट 20 से 10 पे है। आप खुद समझ सकते हो इससे लॉ की इंटेंशन क्या है, कि अब धीरे धीरे कैश पेमेंट्स पे और कंट्रोल किया जाएगा। अगर मानो पहले आपको कोई क्वेश्चन दिया होता था जिसके अंदर मैं कहता था कि मैंने 18,000 की पेमेंट कैश में करी है, आप कहते हो कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 तक की पेमेंट कैश में हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन में अब लिख के दूं कि 18,000 की पेमेंट कैश में है, तो आप उस खर्चे को क्या कर दोगे, डिसअलाउ कर दोगे, उससे आप क्या करोगे, एड बैक करोगे। तो लॉ और टाइट होता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू कैश पेमेंट्स, लॉ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, ये आप वहां से भी देख सकते हो। कल आपने गिफ्ट वाला टॉपिक देखा था, वहां पे लिखा था कि पहले एडवांस कैसे जाना चाहिए था अदर देन कैश, अब कैसे जाएगा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट का क्या रिलेवेंस है, आप लोगों ने नेगोशिएबल पढ़ा हुआ है, अकाउंट पे ड्राफ्ट और अकाउंट पे चेक जिसके नाम पे चेक कटा होता है उसी के अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, आप किसी और को इंडोर्स नहीं कर सकते।
रिपोर्टिंग कंप्लीट करेंगे. लिमिट ऑफ ₹35,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर्स फॉर पेमेंट मेड टू फॉर पेमेंट्स मेड टू ट्रांसपोर्टर्स फॉर पेमेंट्स मेड टू ट्रांसपोर्टर्स रिमेन अनचेंज्ड. रेफर फुल कर दो स्क्रीन यार. रेफर पेज 14.21 एंड 14.22 फॉर कंप्लीट लॉ. रेफर पेज 14.21 14.22 फॉर कंप्लीट लॉ एंड मार्क दिस अमेंडमेंट एज वेरी इंपॉर्टेंट. इस अमेंडमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको पता है ये वाला पॉइंट बहुत आसानी से चेक हो सकता है. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज्ड 10 मार्क्स का, मैक्सिमम टाइम पीजीबीपी पे आता है, पीएनएल बन के आता है, उसमें ये वाली अमेंडमेंट अब चेक हो सकती है बहुत आसानी से. वापस लेके आएंगे. अभी आप पेज नंबर 21 पे ही थे, 14.21 वहां पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार. पेज नंबर 14.21, पेज नंबर 14.21 ऑफ योर बुक्स. पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 टू बी मेड बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट में एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 43, इट सेज द असेसी हैज इनकर्ड एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर 43 में कवर नहीं होते. इसका मतलब अगर मैंने 1,00,000 का कोई कैपिटल एसेट खरीदा और उसकी पेमेंट कैश में कर दी, सेक्शन 43 तो लग ही नहीं पाता था, बिकॉज 43 का स्कोप कैसी पेमेंट थी, रेवेन्यू पेमेंट. लॉ मुझे वहां पे भी हार्श करना था. अब गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया होगा आप खुद सोचो. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या पूरा पीएनएल अकाउंट में आता है, यस और नो, खुद सोचो. मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता, हम एक बार खुद ही देखते हैं कि लॉ में किस तरह से चेंजेस बनते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरल केस बात करते हैं, प्लीज 35 एडी पे मत पहुंच जाना. जनरल केस बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आप पूरा पीएनएल में डेबिट करते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बेनिफिट मिलता है क्या? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आप किस पे निकालते हो? एक्चुअल कॉस्ट. डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हो? एक्चुअल कॉस्ट. मानो मैंने 30,00,000 का एक असेट खरीदा जिसमें से 20,00,000 अकाउंट पे चेक से पे कर दिया और 10,00,000 कैश में पे कर दिया. अगर लॉ को जेन्युइनली कैश ट्रांजैक्शंस को लिमिट करना है तो क्या लॉ बनाना चाहिए आपके हिसाब से? अगर मैंने 30,00,000 का एक असेट खरीदा जिसमें से 20,00,000 मैंने अकाउंट पे चेक से पे किया और 10,00,000 मैंने पे किया कैश में, तो आपके हिसाब से असेट पे डेप्रिसिएशन आप कितने पे दिलवाओगे, 20 पे या 30 पे? अगर आपको लॉ अच्छा बनाना है और आपको कैश पेमेंट्स पे लॉ को रेगुलेट करना है, आपको उसे कंट्रोल करना है, तो डेप्रिसिएशन कितने पे, 20,00,000 पे या 30,00,000 पे? 20 पे. इसका मतलब जो भी पेमेंट अगर अदर देन कैश हुई है, कैश में हुई है या अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट के अलावा हुई है, आपने इसे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना. आप लोग पेज नंबर 14.10 पे आओगे, वहां पे आपके पास सेक्शन अवेलेबल है, सेक्शन 43(1). आपके पास सेक्शन अवेलेबल है सेक्शन 43(1). एक बार खुद पढ़ना, अपने आप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. फुल कर दो स्क्रीन. सेक्शन 43(1) मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेक्शन 43(1). अगर मैं कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता हूं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक सिंगल डे में 10,000 की पेमेंट, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट मैं अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के अलावा करता हूं, तो सेक्शन 43(3) उसको डिसअलाउ करवा देगा. और अगर यही पेमेंट रेवेन्यू नेचर की ही नहीं है, ये वाली पेमेंट कैपिटल नेचर की है, तो सेक्शन 43 में अब जो क्लॉज डाला गया है, नया पॉइंट डाला गया है, उससे वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा. जब एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, इसका मतलब आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. सिंपल सी चीज है. दोबारा,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर 10,000 से ज्यादा का है और आपने उसे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के अलावा पे किया है तो 40A3 उसे डिसअलाउ कर देगा, उसको आप उस पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 10,000 से ज्यादा का है तो सेक्शन 43(1) कहेगा कि ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट कब माना जाएगा? ओनली इफ द पेमेंट हैज बीन मेड बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस, अगर जो पेमेंट का अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा है इन अ सिंगल डे। तो 10,000 से ज्यादा का कोई भी खर्चा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, गोइंग फॉरवर्ड कैसे पे होना चाहिए? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ईसीएस। इसके अलावा पे हुआ तो खर्चा एडमिट नहीं हो पाएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का चाहे वो कैपिटल नेचर का। एग्जाम्पल देखना यार, मेरे को डेप्रिसिएशन बता दो इस साल का। एग्जाम्पल आपके सामने, डेप्रिसिएशन, आई एम लुकिंग फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्लीज लेट मी नो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। गंगानगर आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल। स्क्रीन कैप्चर कर दो, मैं भी अपना आंसर निकालता हूं, आप भी अपना आंसर निकालो, फुल कर दो, स्क्रीन कैप्चर कर दो प्लीज। जवाब वापस लाओ, जवाब क्या निकाले, आंसर क्या है? क्या 58,500? वापस ले आओ, आंसर इज 58,500। कैसे? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है मेरे पास? 60,000। मैंने नया असेट खरीदा कितना है? 5,25, जिसमें से मैंने कैश में कितना पे किया? 195। तो 195 कंसिडर नहीं होगा, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट कितना माना जाएगा? 3,30,000। आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ जाएगी? 390। आपने जो नया प्लांट परचेस किया है वो आपने जून 20 को ही पुट टू यूज कर दिया, मतलब उसके जो नंबर ऑफ डेज थे पुट टू यूज के इस साल में वो 180 से ज्यादा थे, इसीलिए आप इस पे भी फुल डेप्रिसिएशन अलाउ करोगे। आप क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे फुल डेप्रिसिएशन मेरे को अलाउ कर सकते हो। 390,000 इंटू 15% आंसर विल बी 58,500। नोटिंग कर गए थे अपन लोग, कंटिन्यू रखेंगे उसको। चेंज नंबर 3 हो गए, ठीक है। चेंज नंबर 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000 shall be considered as a part of actual cost and bracket mein and thus eligible for depreciation, thus eligible for depreciation if payments made in connection with such expenditure are made by account pay check, are made by account pay check account pay draft or ECS, this law shall not apply where aggregate payments in a single day does not exceed ₹10,000. Refer page 14.10 for complete law and practical example.
एंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे फॉर कंप्लीट लॉ एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. रेफर पेज 14.10 फॉर कंप्लीट लॉ एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. अगर मैं 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करता हूं एक सिंगल डे में कैपिटल एक्सपेंडिचर के कनेक्शन में, उसे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट तभी माना जाएगा अगर वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू पे हुए. अदरवाइज वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा. जब वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. सेकेंडली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे भी लिमिट 10,000 रिवाइज कर दी गई है सेक्शन 40A3 में. तो 10,000 से ज्यादा का कोई भी खर्चा आप एक सिंगल डे में पे करते हो, रेवेन्यू नेचर क्या है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस के थ्रू नहीं आया, 40A3 डिसअलाउ करा देगा. कैपिटल खर्चा है और आपने उसे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के अलावा पे किया तो वो उसे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा. फुल कर दो स्क्रीन, फुल कर दो प्लीज. 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस असेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव. आपने इसके लिए सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कुछ पढ़ा हुआ है कि 35AD से के बिजनेस से अगर कोई भी लॉस आता है, ये लॉस और किसी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, और किसी के अगेंस्ट मेरे पास सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है. एक और चीज, वन मोर थिंग, यहां पे पिछले साल आपके पास दो कैटेगरीज होती थी, देयर वर टू सेपरेट कैटेगरीज. एक होती थी कैटेगरी वन जहां पे आपको रिडक्शन कितना मिलता था 150%, और एक होती थी सेकंड कैटेगरी जहां पे आपको रिडक्शन कितना मिलता था, सेकंड कैटेगरी वाज जहां पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बेनिफिट मिलता था 100%. मेरे पास वो 150% में वो पांच आते थे, याद है पांच. फर्स्ट इज फर्टिलाइजर्स वाला बिजनेस, सेकेंड इज वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसके बाद एक आपको हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा जिसमें मिनिमम कितने बेड्स होंगे 100 beds, इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड चेन मतलब कोल्ड स्टोरेज, और लास्ट में हाउसिंग, कैसी हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग. उसके बाद आपके पास 100% में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस होते थे, आपका होटल हो गया 2-star और अबव. उसके बाद आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आयरन ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास पाइपलाइन है, ऑयल की पाइपलाइन है, या फिर आप वेयरहाउसिंग फैसिलिटी लगाते हो शुगर के लिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, आईसीडी, सीएफएस, इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन. सबसे पहली चीज 150% हटा दिया गया. आपको धीरे धीरे यही लग रहा है पीजीबीपी में चेंजेस घूम फिर के दो एरियाज पे, कैश पेमेंट को लिमिट करो और साथ के साथ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस को बढ़ाओ, और आपके जो बेनिफिट्स एक्सेसिव होते थे उनको लिमिट करेंगे और डिडक्शंस को स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे. तो यहां पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने हैं. सबसे पहला चेंज है जो आप लोग दो अलग अलग कैटेगरी पढ़ते थे, वो दो अलग अलग कैटेगरी कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है, अब सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सारे बिजनेस एक ही में है. सब पे कितना बेनिफिट मिलेगा, सब पे 100% का बेनिफिट मिलेगा. और इसमें एक नया बिजनेस और ऐड हुआ है, क्या है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये पहले भी था, ये अभी भी है. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पहले भी था, अभी भी है. बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 beds फॉर पेशेंट्स, पहले भी था, अभी भी है. डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, पहले भी था, अभी भी है. इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, सेम. इसके बाद क्रॉस कंट्री आपको गैस और ऑयल की पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी जिसमें स्टोरेज फैसिलिटीज इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. या तो आप इंडिया में होटल बनाइए 2-star अबव, या फिर आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए अंडर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन, या फिर आप एक आईसीडी या सीएफएस सेटअप करते हो, या फिर आप हनी या बी वैक्स बनाते हो, या फिर आपने वेयरहाउसिंग फैसिलिटी लगाई है शुगर के लिए, या आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ऑयल की आपने पाइपलाइंस बिछाई है, एंड सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ओवर हियर यहां तक जितने भी पॉइंट्स हैं ये पहले भी थे, ये अभी भी है. एक ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट बना लो और लिखो सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर, स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाले को छोड़ देना, स्टार्टिंग से लेके सेकेंड लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेके सेकेंड लास्ट तक लिखो सेम एज बिफोर. और ये नया ऐड हुआ है, दिस इज द न्यू पॉइंट, डेवलपिंग और मेंटेनिंग, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग
maintaining and operating a new infrastructural facility. अब infrastructural facility क्या है? इसका meaning आपको next page पे आके पढ़ना पड़ेगा. आना page number 14.15 पे, ऊपर top पे. Meaning of infrastructural facility. A road including toll road, a bridge or a rail system. आप toll road बनाते हो, bridge बनाते हो, rail system बनाते हो, ये एक infrastructural facility है. A highway project including housing or other activities being an integral part of the highway project. मानो वो Noida to Greater Noida expressway अगर आपने बनाया और साथ में आपने उसके आसपास housing societies भी बनाई. इसके बाद next, a water supply project, water treatment system, irrigation project, sanitation and sewerage system or solid waste management system. And a port, airport, inland waterway, inland port or navigational channel in the sea. In short, infrastructure की improvement होगी, roads improve हो गए, bridge improve हो गए, या फिर आप कोई proper highways बना रहे हो, या water transportation system को improve कर रहे हो, कोई port बना रहे हो, कोई airport बना रहे हो, या फिर water को अच्छे से treat कर रहे हो, और आपका जो waste है, उसे dispose of कर रहे हो. Meaning of infrastructural facility के साथ लिखो, read properly. मतलब ये नहीं बोल रहा कि आपको रट्टे मारनी है इसको as it is, लेकिन आपको इसको तरीके से पढ़ के देखना है कि इसका स्कोप क्या है. ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, रट्टे मत मारो, लेकिन सिर्फ एक बार इसे तरीके से समझो कि ये है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है क्या. आपने रोड बनाई, पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया, ब्रिज बनाया, ये सारी चीजें, हाईवे बनाया, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. तो एक तो ये नया पॉइंट ऐड हुआ है. इसके बाद सेकंड चेंज क्या है, वो अलग अलग कैटेगरीज बनाते थे, वो अलग अलग कैटेगरीज तो बिल्कुल हट चुकी है. सेक्शन 35AD कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात तो 35AD ने कभी करी नहीं. 35AD कहता था अगर वो पांच असेंशियल वाले बिजनेस है तो 150% रिडक्शन ले लो कैपिटल एक्सपेंडिचर की, और अगर वो पांच असेंशियल बिजनेस नहीं है, वो दूसरे वाले बिजनेस है कैटेगरी टू, तो 100% ले लो. अब कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं, सारे बिजनेस एक साथ लिखे गए हैं. देयर आर नो सेपरेट कैटेगरीज, ऑल बिजनेसेस हैव बीन लिस्टेड वंस पूरा एक तरीके से, और उनका जो बेनिफिट है वो सबका एक ही बेनिफिट है, 100% फिक्स, और कुछ नहीं है. रेवेन्यू के लिए तो ये सेक्शन बोलता ही नहीं था, ये वाला सेक्शन सिर्फ कैपिटल पे बात करता था. और साथ ही साथ एक और पॉइंट आ गया, सैटेलाइट सेंटर्स वीडियो रिफ्रेश करो प्लीज. साथ के साथ एक पॉइंट और आ गया, और वो पॉइंट क्या है, ये बॉक्स पढ़ना, आ जाएगा समझ, बॉक्स पढ़ोगे बॉक्स. एक बात बताना, ये वाला पॉइंट यहां पे रेवेन्यू के लिए क्यों नहीं लिखा, ये वाला पॉइंट यहां पे कैपिटल के लिए क्यों लिखा है, रेवेन्यू के लिए क्यों नहीं लिखा. ये रेवेन्यू तो इनका ऑटोमेटिकली कौन से सेक्शन में कवर होता है, 40A3. Because section 35AD specifically किस पे बात करता है, 35AD explicitly capital पे बात करता है. revenue के लिए तो इन्होंने अलग से कोई बात की नहीं है, जब revenue के लिए कोई अलग से बात नहीं करी है तो वो कहाँ पे कवर होगा, 40A3. तो ये 35AD में changes हैं. 35AD में total तीन change हैं. क्या change है, पहली चीज दो अलग अलग business की categories हट चुकी हैं. एक कैटेगरी है सबके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना बेनिफिट, 100%, चाहे वो प्री कमेंसमेंट हो चाहे वो पोस्ट कमेंसमेंट हो. दूसरा चेंज, नया बिजनेस ऐड हुआ, क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को डेवलप करना, ऑपरेट करना या फिर मेंटेन करना. और तीसरी चीज, अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा है और आपने वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ECS के अलावा पे किया है, तो यहां पे आपको वह खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा. देयर आर टोटल थ्री चेंजेस ऑन सेक्शन 35AD, इन्हें आप लिख रहे हैं. नेक्स्ट चेंज आप लिख रहे हैं सेक्शन 35AD, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है. सेक्शन 35AD चेंज नंबर, चेंज कौन सा है, 5. सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस. यार एक बार क्लास की ना ड्यूरेशन नोट कर लो, ये जहां पे भी प्रॉब्लम है इसको ब्रेक में चला देना प्लीज. सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, रेफर पेज 14.14,
and page 14.15 for complete law. First point, all businesses are now covered under one category only. All businesses are now covered under one category only. Classification of business. Classification of business into two categories. One 50% and 100% has been done away with. All eligible businesses are entitled to 100% deduction. In respect of capital expenditure. Number two, new business added. कौन सा business है? Developing or maintaining and operating. Infrastructural facility. Point number three. No benefit available in respect of those capital expenditure. For which payments exceeding ₹10,000. By any mode other than account pay check, account pay draft, or ECS. No benefit available in respect of those capital expenditure for which payment exceeding ₹10,000 are made in a single day. By any mode other than account pay check, account pay draft or ECS. इस सेक्शन में टोटल तीन चेंज है. पहला चेंज, जो दो कैटेगरीज बनती थी वो दो कैटेगरीज खत्म कर दी गई हैं. अब मेरे पास कोई दो कैटेगरीज नहीं है, एक सिंगल कैटेगरी है मेरे पास. ऑल बिजनेसेस आर एलिजिबल फॉर 100% रिडक्शन. जो भी बिजनेस यहाँ पे लिस्टेड है, जो पुराने बिजनेस थे वो सारे के सारे हैं. एक नया बिजनेस ऐड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को डेवलप करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना. और लास्ट में
यहां पे एक चीज और लिखी गई कि 10,000 से ज्यादा का अगर कैपिटल खर्चा है तो वो पे होना चाहिए एक सिंगल दिन में अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस से। अगर आपने उन मोड से उसे पे नहीं किया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने पीजीबीपी में अभी तक टोटल 5 चीजें देखी हैं। सबसे पहली चीज रिवाइज करो, पीजीबीपी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहली चीज थी डेप्रिसिएशन रेट को कैप कर दिया गया कितने पे, 40%। इससे हुआ क्या, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी 40 पे आ गया और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 32AC में बेनिफिट मिलेगा सिर्फ Only till 31st March 2017, उसका sunset clause था, going forward, अब आपको 32AC में benefit नहीं मिलेगा। Third point, section 40A3, जहाँ पे cash payments की बात होती थी, वहाँ पे पहले limit थी 20,000, transporters के लिए 35,000, आज की date में transporters की limit वहीं की वहीं है, normal लोगों के लिए limit को 20 से drop कर दिया गया है, कितने पे? 10 पे। 10,000 से ज्यादा का कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको क्लेम करना है तो उसकी पेमेंट कैसे होनी चाहिए, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ईसीएस। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लॉ इंसर्ट किया गया सेक्शन 43 में कि अगर मैं कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं और वहां पे 10,000 से ज्यादा की पेमेंट एक सिंगल दिन में अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू नहीं करता, किसी और मोड से करता हूं, तो उस पेमेंट को आप एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। जब वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 35AD में क्या चेंज है, 35AD में चेंज ये है कि सबसे पहली चीज दो कैटेगरीज खत्म, एक सिंगल कैटेगरी 100%, नंबर 2 नया बिजनेस ऐड हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नंबर 3 10,000 वाला पॉइंट यहां पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आ गया। रेवेन्यू के लिए यहां पे डालने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये वाला जो सेक्शन है वो रेवेन्यू पे बात नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे बात करता है। रेवेन्यू तो आपको 40A3 के हिसाब से पिक करना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आएंगे सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, अगर मुझे सेक्शन की अमेंडमेंट बतानी हो और मैं अगर कंटेंट डिस्कस ना करूं तो ये 2 मिनट में अमेंडमेंट खत्म हो जाएगी। इस सेक्शन में अलग अलग लिमिट्स थी, कुछ जगह आपको 125% का बेनिफिट था, कुछ जगह आपको 175% का बेनिफिट था, कुछ जगह आपको 200% का बेनिफिट था और कुछ जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 100% का था। सेक्शन 35 की बात कर रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, आपको ओवरऑल क्या लग रहा है, जो भी आप अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हो बजट 2017 की, आपको क्या लग रहा है कि बजट 2017 की ये जो भी अमेंडमेंट्स हैं ये बेनिफिट कम करवा रही है ज्यादा करवा रही है? कम करवा रही है। तो ऑब्वियसली बात है इन रेट्स में रैशनलाइजेशन होना है, इन रेट्स को कम किया जाएगा। ये मेरे पास अलग अलग रेट्स थी, अब अगर मैं रिकॉल करवाऊं तो 175% कहाँ थी, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी डोनेशन देते हो तो 175% थी, लेकिन अगर आप वही सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो तो 175 नहीं थी, 125 थी। कल को आपने किसी इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा डोनेट किया तो वहां 125 थी, लेकिन कल को आपने नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, इन सबको पैसा डोनेट किया फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम तो आपके पास 200 थी। इसके बाद आप एक करते थे सेक्शन 35 2AB। 35 2AB कब लगता था? 35 2AB लगता था जब एक कंपनी या तो बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में एंगेज है या मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग अदर देन दोस कवर्ड अंडर 11 शेड्यूल, वहां पे लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बेनिफिट ना तो 100 था ना 150 था, 200% था। तो ये अलग अलग आपने पढ़ी हुई है। अगर मुझे सिंपली आपको ये अमेंडमेंट कटवानी हो तो मुझे बस सिर्फ एक ही पॉइंट लिखवाना है कि इस सेक्शन में जो भी आपने 175 या 200 पढ़ा था उसको 150 पे कर दो, और जहां पे आपने 125 या 100 था पढ़ा था वो दोबारा कितने पे, वो सिर्फ और सिर्फ 100 पे। सिर्फ ये चेंज है, अगर आपको पूरा सेक्शन याद है तो आपको बस ये चेंज इनकॉर्पोरेट करना है। क्या चेंज इनकॉर्पोरेट करना है आप लोगों को, अगर 175 या 200% है, 175 या 200% है तो आपके लिए अब गोइंग फॉरवर्ड रेट कितनी रहेगी, 150, और अगर आपके लिए 125 या 100 था तो आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड रेट कितनी रहेगी, 100, और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना चेंज है। अब अगर मैं डिटेल्ड लॉ को देखूं तो डिटेल्ड लॉ के लिए आपको आना पड़ेगा अपनी बुक के पेज नंबर 14.8
12 पेज नंबर 14.12 पे आपको आना पड़ेगा अगर आपको डिटेल्ड लॉ रेफर करना है तो पेज नंबर 14.12 साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 2AA 35 2AA में बेनिफिट आपके पास क्या है अगर आपने साइंट अगर आपने नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी इन सबको पैसा डोनेट किया फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम पिछले साल यहां पे 200 लिखा था अब कितना हो चुका है 150 इसके बाद अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड कॉलेज अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च इसका मेरे पास सबसेक्शन है 35(1)(2) लिख लो कई बार एग्जाम में सबसेक्शन के साथ और क्लॉजेस के साथ भी रेफरेंस आ जाता है पिछले साल ये है 35(1)(2) पिछले साल यहां पे 175% था अब वो कितना हो गया 150 इसके बाद अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च पिछले साल यहां पे 125 था अब कितना हो गया 100 इसका मेरे पास सेक्शन है 35(1)(3) और लास्ट अगर आपने पैसा डोनेट किया है किसी इंडियन कंपनी को जिसका पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च तो इसका मेरे पास सेक्शन है सेक्शन 35(1)(2A पिछले साल यहां पे 125% था अब कितना हो गया 100% मतलब जहां पे भी आपने 175 या आपने 200 पढ़ा है उसे ड्रॉप कर देंगे 150 पे और जहां पे भी आपने 125 और 100 पढ़ा है उसे आ जाएगा वापस ये 100 पे आगे अगर मैं किसी को पैसा डोनेट नहीं करता मैं खुद अपना बिजनेस कैरी ऑन करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे पहले भी 100% बेनिफिट था अभी भी कितना बेनिफिट है 100% चाहे वो प्री कमेंसमेंट बेनिफिट हो चाहे वो पोस्ट कमेंसमेंट हो प्री कमेंसमेंट कितना साल पीछे जाते हैं 3 साल अनलिमिटेड पीरियड पीछे नहीं जाते हैं जिस दिन बिजनेस शुरू होता है उससे पीछे 3 साल जाते हैं इसके बाद सेकेंड चेंज कहां पे है सेकेंड चेंज नेक्स्ट पेज पे आपको आना पड़ेगा स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपनीज सेक्शन 35(2AB स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपनीज सेक्शन 35(2AB सेक्शन 35(2AB कब लगता है सेक्शन 35(2AB लगता है जब एक पर्सन बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में एंगेज्ड है एंड ही इज इन दी या तो फिर एक पर्सन कंपनी है और आपका बिजनेस दो में से कोई भी एक बिजनेस होना चाहिए यहां पे दो कंडीशन है असेसी कौन कंपनी और आपका बिजनेस कोई भी दो में से एक होना चाहिए पहला बिजनेस बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा बिजनेस यू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन 11 शेड्यूल आपने यहां पे पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के लिए एडिशनल बेनिफिट्स पढ़े थे लैंड पे निल बिल्डिंग पे 100 अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 200 और रेवेन्यू पे 200 अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं जो 100 है वो 100 ही रहेगा लेकिन जो 200 है वो कितने पे ड्रॉप हो जाएगा 150 तो यहां पे यही हो गया ऑन लैंड निल ऑन बिल्डिंग 100% ऑन अदर असेट्स 150% एंड रेवेन्यू पे 150% शॉर्ट में याद रखना है तो बस पुराने लॉ में अडेप्टेशन ये इन प्लेस ऑफ 175 और 200 आप क्या यूज करेंगे 150 एंड इन प्लेस ऑफ 125 और 100 द आंसर विल बी 100 तो शॉर्ट में ही लिख लेते हैं डिटेल्ड लॉ आपके पास है आप जहां पे नोटिंग कर गए थे ये चेंज नंबर आई थिंक 6 बैठेगा चेंज नंबर 6 सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च रिडक्शन इन परसेंटेजेस रिडक्शन इन परसेंटेजेस रेफर पेज 14.12 एंड 14.13 फॉर कंप्लीट लॉ Old law, new law. Benefit of
175% or 200% revised to 150%. Benefit of 125% or 100, मैं 100 लिख रहा हूँ बस लिखना नहीं चाहिए वैसे, revised to 100%. मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखा हूँ कि 100 वाला 100 ही है, अदरवाइज जो 100 वाला उसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ हमारी नोटिंग कंप्लीट रहे. तो बेनिफिट ऑफ 175 या 200 उसको रिड्यूस कर दिया गया है 150 पे, सब कुछ वहीं पे है एज इट इज, सारी चीजें सेम है, खाली परसेंटेजेस में चेंज है. बेनिफिट ऑफ 175 और 200 रिवाइज टू 150 एंड बेनिफिट ऑफ 125 और 100 रिवाइज टू 100. पहले क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं. ए लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन 35(2)(ab) लगेगा या नहीं लगेगा बता दो. A limited engaged in the business of biotechnology 35(2)(ab) लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा. Compute the deduction allowable under section 35 for assessment year 18-19 while computing its income under the head PGBP. Point number one, amount paid to Indian Institute of Science Bangalore for scientific research. कितना benefit मिलेगा? 150%, 150%. Next. अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम. पहले वो होता था 175, 200, अब दोनों स्टैंडर्डाइज हो गए, साइंटिफिक रिसर्च 150. नेक्स्ट, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज इट्स मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. कितना आएगा? 100%, 35(1)(2)(a). लास्ट, expenditure incurred on in-house research and development facility as approved by the prescribed authority. 35(2)(ab) लग रहा है. Revenue expenditure on scientific research 3 lakh है, तो 3 lakh का कितना percentage allowed करोगे? 150. और उसके बाद capital expenditure on scientific research including cost of land. Land की cost कितनी है? 5 lakh. Other eligible खर्चा कितना है? 2.5 lakh. 5 lakh पे benefit नहीं मिलेगा, 2.5 lakh पे आपकी assumption matter करेगी. 2.5 lakh को building मानोगे तो 100%, building नहीं मानोगे कोई और अदर asset मानोगे तो 150%. Question number 18. Mr. Praveen Kumar has furnished the following particulars relating to payment and payment made towards scientific research. Niche padhna, compute the amount of deduction available under section 35 of the Income Tax Act 1961 while arriving at PGBP income. K Research Limited is approved. LMN College is approved. Ab Mr. Praveen Kumar hai. 35(2)(ab) नहीं लग पाएगा. पेमेंट मेड टू के रिसर्च लिमिटेड अप्रूव्ड है और पर्पस साइंटिफिक रिसर्च है, तो यहां पे मैं आपको डिडक्शन कितना दे दूंगा? 100%, बिकॉज के रिसर्च लिमिटेड क्या है? इंडियन कंपनी. इसके बाद एलएमएन कॉलेज के लिए आपको कितना बेनिफिट मिल जाएगा? 150. जब क्वेश्चन ने कहा के रिसर्च लिमिटेड अप्रूव्ड है और एलएमएन कॉलेज अप्रूव्ड है, तो शायद मुझे हिंट लगा कि ओपीयू कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है. ऐसी मैं इंटरप्रिटेशन ले सकता हूं और आंसर दे सकता हूं. अदरवाइज आप अदरवाइज लिखना चाहो, इट इज अज्यूम दैट ओपीक्यू कॉलेज अप्रूव्ड, वहां पे भी चलेगा. बट ICAI ने जब इस आंसर को किया, उन्होंने कहा जब हमने फर्स्ट और सेकंड अप्रूव्ड बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आपको हिंट दे रहे हैं कि थर्ड अप्रूव्ड नहीं है. इसके बाद पेमेंट मेड टू नेशनल लेबोरेटरी 150%. मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च 35(2)(ab) नहीं लगता, तो खर्चा कितना अलाउ किया जाएगा? 100%. एंड सैलरीज टू रिसर्च स्टाफ एंगेज्ड इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च दोबारा 100%. तो लिमिट्स में रिवीजन है, एज सच कुछ खास चेंज नहीं है, हल्का सा अडेप्टेशन चाहिए. 175-200 की जगह पे 150 और 100 और 125 की जगह पे 100. दैट्स इट. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अंडर सेक्शन 44(ad). सेक्शन 44(ad) प्रिजम्प्टिव इनकम. प्रिजम्प्टिव इनकम के मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सेक्शंस रिकॉल कराए थे. प्रिजम्प्टिव इनकम के मेरे पास टोटल कितने सेक्शन है? 3 मेन. तो 44(ad) बिजनेस के लिए है, 44(ada) है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, और 44(ae) है जब इफ यू आर एंगेज्ड, इफ यू आर अ ट्रांसपोर्टर एंड यू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस. 44(ae) नो चेंज.
44 ADA में चेंज है लेकिन वो हम लास्ट क्लास में एडवांस टैक्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं कि 44 AD और 44 ADA वाले लोगों को सारा का सारा एडवांस टैक्स चार इंस्टॉलमेंट्स में जमा कराने की जरूरत नहीं है. आप सारा का सारा टैक्स एक इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हो. वो कब तक जमा करा सकते हो? 15 मार्च ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. 44 AD में एक छोटा सा चेंज है जो चेंज आपके मेन क्लास में भी डिस्कस कर लिया था बट उसे प्रॉपरली एक बार दोबारा देख लेंगे. 44 AD में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन आपके पास रेट कितनी है? 8%. लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद ये चेंज इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आप अपना टर्नओवर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ECS के थ्रू रिसीव करते हो रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले, तो मैं लिमिट 8% नहीं लूंगा. मैं लिमिट कितनी ले सकता हूं? 6%. ये चीज आपकी बुक में आपको कहां पे मिलेगी? पेज नंबर 14.30, पेज नंबर 14.30, सेक्शन 44 AD. पीजीबीपी इनकम अमाउंट डीम्ड एज पीजीबीपी इनकम. मैं आगे पीछे के पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जो अमेंडमेंट है उसको डिस्कस कर रहा हूं. PGBP income shall be deemed to be 8% of gross turnover or any other higher sum as may be declared by the SSC. It would be deemed that all expenses allowable under section 30 to 38 have already been allowed. Where a person declares his business income in accordance with the provisions of this section, agar main 44 AD mein apni income, presumptive income dikhata hoon aur limit ke andar andar dikhata hoon ya usse zyada dikhata hoon, to mere pe aap requirement audit ki bhi nahi daloge aur books of accounts ki bhi requirement nahi daloge. चेंज और क्या है यहां पे? चेंज है ये, दिस इज चेंज. इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड टू एनकरेज स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स, सेक्शन 44 AD हैज बीन अमेंडेड to reduce the existing rate of deemed total income from 8% to 6% in respect of that portion of the turnover which has been received by account paid check, account paid draft or use of electronic clearing system through a bank account. Paisa kab tak aa jana chahiye? Till the last date of filing of return of income as specified under section 139(1). However, the existing rate of deemed profit of 8% shall continue to apply in respect of that portion of the turnover which has been received by any other mode. लिखो इस पे जहां पे आप ये changes लिख रहे थे उनके साथ. Change number I think is 7th बैठेगा. Change number 7. Change number 7. Section 44 AD. Reduced percentage of deemed income. Reduced percentage of deemed income in case of digital payments. For complete law, refer page 14.30 and 14.31. Turnover. Received by account paid check. Full kar do screen. Account paid draft or ECS. Received by account paid check, account paid draft or ECS till the last date. Last date of filing of return of income other cases
अगर आपने अपने टर्नओवर को अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस से रिसीव कर लिया है टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम पीजीबीपी इनकम शैल बी 6% ऑफ पीजीबीपी इनकम शैल बी 6% ऑफ टोटल टर्नओवर अदर केसेस पीजीबीपी इनकम shall be 8% of total turnover. PGBP income shall be 8% of total turnover. यहाँ पे 6, यहाँ पे 8. अच्छा question completely silent है. वापस लाओ फिर मैं question completely silent है. 6 लगाओगे 8 लगाओगे? 8 ही लगाएंगे. Question में कल को आपको ये दिया है कि आपका turnover 1.5 करोड़ का है जिसमें से 50 लाख कैश से आया है और 1 करोड़ अकाउंट पे चेक से आया है तो 1 करोड़ पे 6% लगा देना और 50 लाख पे 8% लगा देना इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मार्क दिस ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट है 8 ही लेना प्रेफर करना लेकिन 6 भी ले तो कोई गलती नहीं है बस उसका नोट दे देना जो आपको ठीक लगे सेक्शन 44 AD इज डन इसके बाद एक बार सेक्शन 44AA पढ़ना प्लीज 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेज 14.28 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेज 14.28 पढ़ना प्लीज फुल कर दो स्क्रीन वापस लाएंगे फ्रेम में ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑल एनी एंड और थोड़ा ज्यादा है एक बार इसको दोबारा एक बार ठीक से रिकॉल करवाओगे अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड है सेक्शन 44AA की बात हो रही है अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्रोफेशन आपको नीचे दिया गया है मेडिकल लीगल चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंजीनियरिंग एक्सेट्रा कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अगर एंगेज्ड है मुझे इनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी है इन लोगों के लिए बनाना लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ले या प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से बनाए वो डिपेंड करेगा आपके पिछले 3 साल के टर्नओवर पे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनवाए ही जाएंगे बस क्वेश्चन ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मल वाले बनवाए जाएं या रूल 6F वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाए जाएं रूल 6F इज अ बर्डन और ये बर्डन आप पे तभी डाला जाएगा अगर आपका टर्नओवर कंसिस्टेंटली 1 लिमिट से ज्यादा है तो हम कहते हैं लास्ट 3 इयर्स को देखेंगे लास्ट 3 इयर्स में अगर आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स थी वो 1.5 लाख से ज्यादा थी हर साल में ईच ईयर पिछले 3 सालों में आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा थी तो हम आपसे 6F वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाएंगे लेकिन लास्ट 3 साल में से किसी भी 1 साल में आपकी ग्रॉस रिसीट अगर 1.5 लाख या इससे कम थी तो हम आपको कहेंगे कि एक काम करो मुझे आप 6F वाली चीजें मत दो आप मुझे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दो वंस अगेन रूल 6F इज अ बर्डन ये बर्डन आप पे तभी डाला जाएगा जब आपका पिछले 3 सालों का टर्नओवर कंसिस्टेंटली 1 लिमिट से ज्यादा है ये लिमिट कितनी है मेरे पास ये लिमिट है मेरे पास 1.5 लाख पिछले 3 सालों में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा है मैं आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगूंगा कौन से रूल 6F वाले प्रॉपर डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगूंगा लेकिन पिछले 3 साल में से किसी भी 1 साल में आपका टर्नओवर 1.5 लाख या इससे कम है तो मैं आपसे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगूंगा इन शॉर्ट एक्सेसिव बर्डन उस पर डाला गया जो कंसिस्टेंटली 1 लेवल के बियॉन्ड अपना टर्नओवर डिलीवर कर रहे हैं पिछले 3 सालों में से किसी भी 1 साल में अगर आपका ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख या इससे कम है मैं आपसे 6F वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मांगूंगा आप कोई भी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो यहां पे कोई चेंज नहीं है इसके अलावा अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो या आप कोई नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो तो यहां पे एक सिचुएशन में है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही नहीं है यहां पे एक सिचुएशन में है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही नहीं है और दूसरे सिचुएशन में नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं
अब आप एक चीज सोचो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने मतलब कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं रखना, तो ये रिकॉर्ड आपको तब नहीं रखना जब कंसिस्टेंटली आपका टर्नओवर भी एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है और कंसिस्टेंटली आपकी जो इनकम है वो भी एक लिमिट से कम है। टर्नओवर और इनकम दोनों कम है एक साल में नहीं, कंसिस्टेंटली। यहां पे मैं कहूंगा ये वाला लॉ मेरे पे लगेगा, अगर मेरी पीजीबीपी की इनकम 1,20,000 से बराबर है या कम है ऑल थ्री इयर्स, एंड आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है, एंड जो आपका बिजनेस का टर्नओवर है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 लाख ऑल थ्री इयर्स, पिछले तीनों सालों में आपका टर्नओवर भी एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होना चाहिए और आपकी पीजीबीपी भी इनकम भी कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होनी चाहिए, तब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलूंगा, बनाने की जरूरत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना मतलब कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और ये आप पे बेनिफिट तभी दिया जाएगा जब आप कंसिस्टेंटली हमेशा लाइन के नीचे गए हो, कभी भी ऊपर नहीं आए हो। तो आपका टर्नओवर भी हमेशा 10 लाख या इससे कम होना चाहिए और साथ के साथ आपकी पीजीबीपी इनकम भी पिछले तीनों सालों की 1,20,000 से कम होनी चाहिए। तो मेरे पे ये नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला लॉ कब लग सकता है, जब आपकी पीजीबीपी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है ऑल थ्री इयर्स या एनी पिछले तीनों सालों में से कभी भी एक साल में, और इसके बाद टर्नओवर आपका किससे ज्यादा है 10 लाख ऑल या एनी, और यहां पे आपका जो वर्ड आ जाएगा वो वर्ड आ जाएगा और, पिछले तीनों सालों में अगर आपके किसी भी एक साल में या तो आपकी पीजीबीपी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने। दिस वॉज द ओल्ड लॉ, व्हाट इज द न्यू लॉ, न्यू लॉ में क्या किया गया है, इन लिमिट्स को इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए इंक्रीज किया गया है, 1.2 लाख से इंक्रीज हो गया है 2.5 और 10 लाख से इंक्रीज हो गया है 25 लाख, दैट्स इट। 1.2 लाख इंक्रीज हो गया 2.5, 10 लाख इंक्रीज हो गया है 25 लाख। सच्ची बताऊं तो मुझे लगता नहीं है कि ये वाला अमेंडमेंट एग्जाम में खास चेक किया जाना चाहिए, बिकॉज ये एरिया ज्यादा चेक होता नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं लो, आप लोग पेज नंबर 14.28, पेज नंबर 14.28 आप उस पे आ रहे हो, और 14.28 के साथ वाले पेज पे जो नोटिंग है वो देखोगे। द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स व्हिच वुड एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस गेट्स फुलफिल्ड। एनुअल टर्नओवर फॉर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 3 इयर्स एक्सीड्स ₹10 लाख और एनुअल पीजीबीपी इनकम ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹1,20,000। पिछले तीन सालों में से किसी भी एक साल में अगर आपका जो टर्नओवर है वो 10 लाख क्रॉस कर गया है या आपकी पीजीबीपी इनकम 1,20,000 क्रॉस कर गया, पिछले तीन सालों में से आपको 6 फिगर्स देखनी है, पिछले तीन सालों का टर्नओवर और पिछले तीन सालों की पीजीबीपी इनकम, इन 6 फिगर में से कोई भी एक अगर अपनी लिमिट से चली गई तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, और ये 6 की 6 अगर अपनी लिमिट से कम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने। इंडिविजुअल और एचयूएफ पे कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए लॉ ने क्या किया है, 10 लाख की लिमिट को इंक्रीज कर दिया 25 लाख और 1,20,000 की लिमिट को ये कर दिया है 2.5 लाख। इस वाली लाइन को हाईलाइट करना प्लीज। दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, द अदर एसएससीज वुड कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द ओल्ड लॉ, द अदर एसएससीज वुड कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द ओल्ड लॉ। This amendment is applicable only in case of individuals and HUF. The other SSCs would continue to be governed by the old law. आप लिखो, ये कौन सा change बैठेगा? 8 लिखो, change number 8. Change number 8. फुल कर दो स्क्रीन प्लीज। चेंज इन लिमिट्स, चेंज नंबर 8, चेंज नंबर 8,
सेक्शन 44AA, चेंज इन लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल और HUF, फॉर इंडिविजुअल और HUF कैरिंग ऑन बिजनेस ऑब्लिक नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, कैरिंग ऑन बिजनेस ऑब्लिक नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन. ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ. Specified professionals no change in law. Business oblique non-specified professionals. यहां पे अगर मैं ओल्ड लॉ की बात करूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इफ फर्स्ट टर्नओवर ऑफ any of the past 3 years exceeds rupees 10 lakh or PGBP income of any of the past 3 years, PGBP income of any of the past 3 years exceeds rupees 1.2 lakh. तीन टर्नओवर की फिगर और तीन वापस लाएंगे फ्रेम में, तीन PGBP इनकम की लिमिट. इन छह में से कोई भी फिगर अगर अपने जो रिस्पेक्टिव लिमिट है उससे ऊपर जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं. नए लॉ में लॉ सेम फॉर पर्संस अदर देन, फॉर पर्संस अदर देन इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF. हाउएवर इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF द फॉलोइंग लिमिट शैल अप्लाई. The following limits, full kar do screen. The following limits shall apply. Turnover ke case mein, aap 25 lakh lenge, 10 lakh nahi lenge. Aur PGBP income ke case mein, aap 2.5 lakh lenge, 1.2 lakhs nahi lenge. But this is applicable only for individual and HUF. Law same for persons other than individual HUF. Let me open the bare text of that section. Usi se change discuss ho jayega. Aapko yaad ho to aapke paas jo donations hoti thi na wo teen tarah ki hoti thi. एक डोनेशन होती थी उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो सेक्शन 35 में नोटिफाइड है. एक इंस्टीट्यूट एक डोनेशन होती थी ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 35AC फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट, और एक होता था 35CCA फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस. ये मेरे पास एक सेक्शन है सेक्शन 35AC
और सेक्शन 35 एसी में एलिजिबल प्रोजेक्ट की बात होती थी, ये आप पढ़ते थे, वेयर एन असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ एनी सम टू एनीबॉडी इन रिलेशन टू एलिजिबल प्रोजेक्ट provided that a company may claiming for the purpose of claiming this deduction incur expenditure either by way of payment of any sum as aforesaid or directly on the eligible project. ऐसे करके donation donation के लिए deduction थी under section 35A. ये तीन donations आती थी, एक 35 में scientific research, एक 35AC में eligible project और एक मेरे पास आती थी 35CCA एंड 35CCA में आती थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, ये मेरे पास अलग से डिडक्शंस आती थी. और अगर आप पैसा डोनेट करते हो आप पीजीबीपी में इनका डिडक्शन ले सकते हो. अब बजट 2017 में इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया, क्या पॉइंट ऐड किया गया नीचे आके देखते हैं कि व्हाट पॉइंट दे एडेड इन दिस सेक्शन. लेट अस सी, चल क्यों नहीं गए प्रॉपरली, ये सेवेंथ जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है वो देखना. नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2018. वापस लाओ, क्या मतलब है इसका कि प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स आपको इस सेक्शन में कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. अब आप तो क्या कहो सर प्रीवियस ईयर 17-18 यहां तो डेट लिखी है फर्स्ट अप्रैल 2018, आगे भी पढ़ लो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2018. तो असेसमेंट ईयर 18-19 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा 17-18, और मैं एग्जाम्स में कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर 17-18. तो लास्ट अमेंडमेंट इसका नंबर कौन सा बैठ रहा है, चेंज 9. नो बेनिफिट अवेलेबल, नो बेनिफिट अवेलेबल. अच्छा सेक्शन 32AC एक तरह से 35AC एक तरह से डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से या लॉ से, आपके सिलेबस से या लॉ से, लॉ से डिलीट हुआ है. कुछ सेक्शन तो आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ से डिलीट हुए हैं, बट जैसे 35AC है और एक वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32AC वो कहां से डिलीट हुए हैं, लॉ से डिलीट हुए. नो बेनिफिट अवेलेबल अंडर सेक्शन 35AC फॉर डोनेशंस इन कनेक्शन विथ, फॉर डोनेशंस इन कनेक्शन विथ एलिजिबल प्रोजेक्ट, फॉर डोनेशंस इन कनेक्शन विथ एलिजिबल प्रोजेक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स. एक बार जो आपने लिस्ट बनाई है इस लिस्ट को एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं, उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं. सबसे पहली चीज आपसे भी पार्टिसिपेशन चाहिए, सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन की जो रेट है चेंज क्या है, मैक्सिमम कैप कितने पे कर दिया है 40, और इसकी वजह से क्या हो गया पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जिसपे शायद मैं पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता था, वापस लाएंगे मेरे को फ्रेम में, उस पर भी मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकता हूं. वापस ले आओ यार फ्रेम में प्लीज, आप पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे जो पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते थे अब वो लेने लग जाओगे बिकॉज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन कैप्ड एट मैक्सिमम 40%. इसके बाद आपने चेंज नंबर 2 लिखा होगा कि लॉ से कौन सा सेक्शन हट चुका है 32AC, 32AC में गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको नहीं मिल पाएगा लेकिन 32AD चलता रहेगा. इसके बाद सेक्शन 40A3 में कुछ चेंजेस हैं, ट्रांसपोर्टर की जो लिमिट है 35,000, सेम या चेंज, सेम या चेंज, सेम है. और इसके बाद जो आपका वो है बिजनेस वाला जो नॉर्मल लोगों को आप पेमेंट करते हो वहां पे पहले लिमिट 20,000 थी, अब कब कितनी लिमिट है 10,000.
ठीक है, और आपका जो पेमेंट मोड पहले सिर्फ अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट लिखा होता था, अब इसमें और क्या छोड़ दिया, अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ईसीएस। ये किस पे अमेंडमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। नेक्स्ट चेंज नंबर 4, आपने क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर पेमेंट 10,000 से ज्यादा एक सिंगल डे में होती है और अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू होती है, वेल एंड गुड, अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू नहीं होती है तो वो आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। जब वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा मतलब उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आया मेरे पास सेक्शन 35AD। नेक्स्ट मेरे पास जो चेंज है दैट इज 35AD। 35AD में क्या चेंज है, सबसे पहले जो दो अलग अलग कैटेगरीज थी उन कैटेगरीज को आपने क्या कर दिया, फिनिश। इसके बाद नंबर 2, आपने क्या किया, एक नया बिजनेस इंट्रोड्यूस किया, कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को डेवलप करना, मेंटेन करना, ऑपरेट करना एक्सेट्रा। और इसी में एक थर्ड पॉइंट का इंट्रोड्यूस किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दिस वॉज चेंज नंबर 5। Then we came on to change number 6, which was section 35, scientific research. Short में बोलूँ तो 175 और 200 को लिमिट कर दिया गया है कितने पे, 150 पे, और 125 और 100 को लिमिट कर दिया है कितने पे, 100 पे। इसके बाद चेंज नंबर 7, सेक्शन 44AD। अगर मेरा जो टर्नओवर है मुझे अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस से रिसीव हो जाता है टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो आप 8% नहीं लेंगे, आप कितना लेंगे, 6%। लेकिन अगर रिसीव नहीं होता है तो आप कितना परसेंटेज लेंगे, 8%। क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट है, 8 ही ले लेना, 6 लेते हो गलत नहीं है, बट अपनी अजम्पशन क्लियरली लिख के आना। इसके बाद नेक्स्ट चेंज 44AA। अगर मैं बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा हूँ, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते थे, अगर पिछले 3 साल में से किसी भी 1 साल में मेरा टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर जाए, या फिर मेरी पीजीबीपी इनकम पिछले 3 साल में से किसी भी 1 साल में 1,20,000 से ज्यादा हो जाए। लॉ बिल्कुल सेम है उन लोगों के लिए जो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लिमिट 10 लाख की कर दी गई है 25, और 1.2 लाख की कर दी गई है 2.5। इसके बाद लास्ट जो आपने चेंज अभी देखा, सेक्शन 35AC में एलिजिबल प्रोजेक्ट के लिए जब पैसा डोनेट करते थे आपको पहले डिडक्शन मिलती थी 35AC में, गोइंग फॉरवर्ड आपको वाली डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। दैट्स इट, पीजीबीपी अमेंडमेंट्स कंप्लीटली कवर्ड, बाकी सारे कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। प्लीज इन शीट्स को संभाल के रखना। जनरली मैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट का पैटर्न बता देता हूँ, मई 16 में अमेंडमेंट्स थोड़ी सी आई थी, मई 17 में भी अमेंडमेंट्स थोड़ी सी आई थी, लेकिन नवंबर 17 और नवंबर 16 पूरा पेपर ऑलमोस्ट 30 से 40 नंबर अमेंडमेंट्स से था। और आपके लिए तो जीएसटी तो पूरा अलग है ही है, अमेंडमेंट्स पे भी आपको फोकस देना पड़ेगा। और कोर एरियाज में अमेंडमेंट है, कोर एरियाज मतलब टैक्सेशन की रेट्स में चेंज है, कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन चेंज है, पीजीबीपी में जिन पॉइंट्स पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े जिनमें इंडिविजुअल पॉइंटर्स डाले होते हैं उनमें भी छोटा छोटा चेंज है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न में भी चेंज है, एडवांस टैक्स में भी चेंज है। तो प्लीज केयरफुली पढ़ना। अगर आपको लगता है कि पुरानी से नई बुक में आना थोड़ा सा हैसल है, आपके सारे फ्लो चार्ट, सारी नोटिंग समरीज पुरानी में बनी हुई है, पुरानी से पढ़ो, इन शीट्स को साथ में अटैच करके रखो और क्वेश्चंस नई वाली बुक से प्रैक्टिस करो। इनकम टैक्स में और आपके एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम रेलिवेंट और कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक दो चीजें हैं एडिशनल बट दोज विल नॉट बी टेस्टेड इन योर एग्जाम्स, तो मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। व्हाटएवर इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्स इट हैज बीन कवर्ड इन द क्लास। आज जीएसटी की लास्ट क्लास है एट 2:30, सो वी विल मीट एट 2:30 देन, बाय बाय। गंगानगर आपको आस्था मैम का मैसेज आपके सेंट्रल कोऑर्डिनेटर को चला जाएगा सबको। गुड़गांव आज मैं जीएसटी के क्लास में डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल फिनिश द बैच ओवर देयर ओनली। जनकपुर के डिविडेंड में जो अमेंडमेंट थी मैं करा चुका हूं, 115BBDA पहले सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म पे लगता था, आज के डेट में वो सब पे लगेगा अदर देन स्पेसिफिक पीपल, अदर देन फ्यू स्पेसिफिक पीपल। फरीदाबाद जब होगी आपके पास शेड्यूल पहुंच जाएगा, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा। ग्वालियर एग्जाम टाइम्स हैव बीन रिवाइज्ड वंस अगेन टू 2:30 है, 2 है एग्जाम का टाइम, 2 to 5 है, 2:30 टू 5:30 है, 2 से है एग्जाम टाइम दोबारा रिवाइज कर दिया गया, 2 to 5 हो गया, जो पहले वो 10:30 से 1:30 प्रपोज किया था वो हट गया है, वापस 2 to 5 हो गया। एक बार चेक कर लेना आपके एग्जाम फॉर्म पे प्रॉपरली लिखा हुआ आएगा।
पीतम्बरा अदर सोर्सेज में आपको लास्ट क्लास में बताई दिया था कि एक वो सेक्शन 5627 होता था वो 5627 तो डिलीट हो चुका है दैट 5627 हैज बीन डिलीटेड क्यों बिकॉज वो 5610 में कवर अप हो गया उसके बाद एक और चेंज ये छोटा सा है जैसे अगर मैं बिजनेस में कोई खर्चा खर्चे पे टीडीएस नहीं काटता तो मैं बिजनेस में उसे पीएनएल अकाउंट में एडजस्ट नहीं कर सकता ऐसे ही अदर सोर्सेज में अमेंडमेंट है कि कल को मानो कोई जैसे अदर सोर्सेज की जो इनकम आती है वो 56 में आती है और 57 में आप एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हो तो वहां पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि कल को मानो आपने कोई खर्चा पे किया अदर सोर्सेज की इनकम को कमाने के लिए और इस खर्चे पे टीडीएस कटना था इस खर्चे पे टीडीएस कटना था और आपने टीडीएस नहीं काटा जैसे पीजीबीपी में होता था आपने टीडीएस नहीं काटा तो आप उस खर्चे को माइनस नहीं कर सकते जैसे पीजीबीपी में होता है कि अगर मैंने खर्चे पे करते टाइम पे टीडीएस नहीं काटा तो वो खर्चे डिसअलाउ हो जाते हैं 30% 100% वैसा ही अदर सोर्सेज में ऐड हुआ बट आई डोंट बिलीव कि आपके लेवल पे उस चीज को टेस्ट किया जाएगा इसके बाद फरीदाबाद आप ओल्ड सिलेबस के लिए हो तो ओल्ड पीएम एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए मतलब ओल्ड पीएम में प्रॉब्लम है वो प्रीवियस ईयर 16-17 के हिसाब से बना हुआ है और आप पीएम रेफर करो ही मत आपकी बुक जो आपको नई वाली मिली है इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अपडेटेड इट कंटेन्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस प्रैक्टिस मैनुअल प्लीज डोंट रेफर समथिंग एल्स फरीदाबाद बाकी सब्जेक्ट के लिए आप चेक कर लो यार अगर सब्जेक्ट में अमेंडमेंट नहीं आई है तो आप उसे रेफर कर सकते हो अगर सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आई है फिर मत रेफर करना प्लीज यस जनकपुरी जो एनुअल पब्लिकेशंस है अब उन पे भी डेप्रिसिएशन मल्टीपल ईयर में चला जाएगा बाय बाय अगर सेम ईयर नोएडा स्टार्टिंग में छोटे चैप्टर्स पिक करेंगे और बाद में बड़े चैप्टर्स पाएंगे स्टार्टिंग में हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट ये पिक करेंगे फिर डिडक्शन पे आएंगे टीडीएस पे आएंगे और उसके बाद पीजीबीपी कैपिटल गेन सैलरी पिक करेंगे जनकपुरी अगर वो खर्चा जस्टिफाइड खर्चा है बिल्कुल पूरा डेबिट हो जाएगा प्रोवाइडेड आपने उसकी पेमेंट अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू करी हो आगरा रिवीजन क्लास अभी फाइनल नहीं है कि डेज फाइनल नहीं है जब भी डेज फाइनल होंगे वी विल अपलोड इट ऑन द वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन फेसबुक तो आप फेसबुक पे आईजीपी के ऑफिशियल पेजेस को ज्वाइन करके रखो ताकि फॉलो कर लो उनको ताकि जब भी कोई चीज अपलोड हो तो आपको पता चल जाएगी डोंट वरी अबाउट दैट विल प्रोवाइड यू ऑल दीज थिंग्स ये आगरा जनकपुरी एक और चीज ऐसा नहीं है कि हर तरह का जो खर्चा है वो पीएनएल में डेबिट हो सकता है आपने अकाउंट पे चेक से पे किया हो ऐसा नहीं है अगर इनकम टैक्स का लॉ उस खर्चे को डिसअलाउ करता है तो आप नहीं कर सकते मानो आपने खर्चा अकाउंट पे चेक से पे कर दिया बट आपने उसमें टीडीएस नहीं काटा तो पीजीबीपी का लॉ उसे भी डिसअलाउ कर सकता है यस हर तरह का खर्चा पीएनएल में डेबिट हो सकता है प्रोवाइडेड वो पीजीबीपी में कहीं डिसअलाउड ना हो और आपने उसकी पेमेंट अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस से करी हो अगर वो खर्चा 10,000 से ज्यादा का है नहीं देखा तो ना आपको पैन नंबर बैंक में तो देना ही पड़ेगा बैंक में तो ऑप्शन ही नहीं है बैंक का तो अकाउंट आपका डॉक्यूमेंट कर दिया जाएगा अगर आप अपना वहां पे आधार नहीं देते तो पैन और आधार दोनों देने पड़ेंगे मैंने तो ये बोला था कि जब आप अपने ये ई वॉलेट्स पे आधार कार्ड अपलोड कर दोगे ना केवाईसी के तो थोड़े से खर्चे लिमिटेड करना एक्सेसिव खर्चे मत करते रहना सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स